बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें और ख़ास तौर पर कुरान की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा, इस सूरत को बार बार पढ़ें। सूरतुल फातिहा जैसी सूरत दुनिया की किसी किताब में नहीं। जब यह सूरत नाजुल हुई तो एक फरिश्ते ने आकर कहा, ऐ पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको दो नूर अता किए हैं, उनमें से एक नूर सूरतुल फातिहा है। इस जैसा नूर किसी नबी को अता नहीं किया गया। ऐ पैगम्बर सलाम, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह हर्फ हर्फ के बदले उस बंदे को ढेरों अताओं, बरकतों और रहमतों से नवाजते हैं। अल्लाहु अकबर। यह हदीस का मफहूम है। मेरे भाई और बहनों, सूरतुल फातिहा अल्लाह को कितनी पसंद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का आगाज इस सूरत के साथ किया। ये सूरत इतनी बरकतों वाली है, अगर कोई बंदा बीमार है तो बार बार सूरतुल फातिहा को पढ़े, दम करे, इंशाअल्लाह जरूर ठीक होगा। कैंसर जैसे मरीज भी, लाइलाज मरीज भी सूरतुल फातिहा के हरफों के सदके ठीक हुए हैं, पर जो ज्यादा पढ़ते हैं। आप भी पढ़ें, दम करें, जरूर ठीक होंगे। और अगर जिंदगी में कोई और गम परेशानी है या माली मसाइल हैं तो आप एक काम जरूर करें, सूरतुल फातिहा को कम से कम 70 बार रोजाना याद के साथ चलते फिरते पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ बार बार मांगे। मेरे भाई और बहनों, अगर आप रोजाना 70 बार सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो चंद दिन, चंद हफ्तों के बाद आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको मेरा रब बिन मांगे ही सब कुछ अता कर देता है। अल्लाहु अकबर। तो देर किस बात की, सूरतुल फातिहा से दोस्ती लगा लें। ये अल्लाह ताला का मुसलमानों पर खास करम है कि सूरतुल फातिहा उन्हें अता की। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लाख मसलों का हल है सूरतुल फातिहा। जो इसे पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा, अल्लाह बड़ी बरकतों से नवाजेगा। आखिर में दुआ है रब्बुल आलमीन से उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए दिल से जो कमेंट्स में दुआ का कहते हैं, जो नहीं भी कहते। ए रब्बे काबा, जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है। आज के दिन के सदके हर इंसान के हर गम और परेशानी को दूर फरमा दीजिए। आमीन आमीन।